दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार जो डिटेन की प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। पीछे भी एक बस आई है, वहाँ चलते हैं और वहाँ के लोगों से जानते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन करने गया था जयपुर में, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अपने आप में सवाल उठाता है, और अब उनकी रिहाई को लेकर लोग यहाँ जुटे थे, उनको भी नमस्कार। आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बीकानेर हाउस के बाहर। चंद्रशेखर, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी को लेकर आज ये प्रदर्शनकारी बीकानेर हाउस के बाहर आ रहे हैं। बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की कल गिरफ्तारी कर ली गई और ये प्रदर्शनकारी उसी की खिलाफत करने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस के गेट पे पहुंचे हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस प्रशासन का बल जो है, पुलिस बल जो है उसका एक बड़ा जट्ठा यहाँ देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने की जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो है रिहा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार होश में आओ, चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा करो, रिहाई की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि हमें नहीं पता कि चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तारी के बाद कहाँ किस जेल में रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारी यहाँ मौजूद हैं। हम प्रदर्शनकारी से पूछेंगे, सर गिरफ्तारी किस चीज़ को लेके की? गिरफ्तारी इसलिए की गई कि जो कोरोना काल में वहाँ पर राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारी रखे थे, उन लोगों को आज आनन फानन में हटा दिया गया। वो लोग मांग कर रहे थे कि भाई हमारे जो भत्ते हैं हमारी नौकरियां में दी जाए, उन्हें एक तरह से टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इन लोगों को इन्होंने निकाल दिया, जिसकी आवाज़ जिसके काफ़ी समय लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, बच्चे उनको डिमांडों को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर साहब ने अपना समर्थन दिया, जिस कारणवश उनको गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी यहाँ बैठ गए हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी ये गलत तरीके से की गई है, आप उन्हें रिहा करिए। दिल्ली पुलिस बल जो है यहाँ पहुँच चुका है, डिटेन की प्रतिक्रिया जो है शुरू कर दी गई है और लगातार जो है रिहा करो की जो नारे हैं वो लग रहे हैं। यहाँ महिलाएँ भी मौजूद हैं, यहाँ जो है प्रदर्शनकारियों में जेंट्स भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो बस है वो यहाँ खड़ी है और लगातार डिटेन करने की जो प्रतिक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं लगातार, जो आप देख सकते हैं कैसे एक प्रदर्शनकारी को जो है घसीट कर और उठाकर टांग कर ले जाया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं पूछते हैं। सर गिरफ्तारी क्यों करी गई जी? गिरफ्तारी क्यों करी गई? देखिए ये जो राजस्थान में चंद्रशेखर भाई को गिरफ्तार किया गया है उसके सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पर मार्च निकाला था और अपनी जिस तरीके से गहलोत सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है संविधान प्रोटेस्ट करना उसका उल्लंघन कर रही है और जनता को निर्णय दे रही, उसके रिगार्डिंग हम सब ने यहाँ पर मार्च निकाला है चंद्रशेखर भाई के लिए। हमने देखा कि आपको आते ही डिटेन करना शुरू कर दिया गया, डिटेन क्यों किया जा रहा है, आपको प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा? ये तो आप इनसे पूछना दिल्ली पुलिस से, ये किस तरीके से मतलब छात्रों को उठाकर यहाँ पर जो भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी कार्यकर्ता है उनको अंदर डाल रही है, आप देख लीजिए किस तरीके से ये भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ में। क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? देखिए चंद्रशेखर भाई जब तक रिहा नहीं होगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा और ऐसे ही रोड पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहेंगे। आपकी क्या क्या मांगे सर? आपकी क्या क्या मांगे सर? मुर्दाबाद। हम लोग आज जो है हमने बीकानेर हाउस का जो है घेराव किया, कल चंद्रशेखर आजाद जी को रात को परसों रात को उनको उठा के गैर कानूनी तरह से गैर संवैधानिक तरह से उनको जेल भेज दिया गया। वो लोग जो है वहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे, 3 महीने से कोविड कर्मचारियों के लिए धरना चल रहा, 28,000 कर्मचारी हैं उसमें जो है सम्मिलित होने चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। क्यों गिरफ्तारी की गई? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सब जो है गहलोत सरकार की तानाशाही है, ना ही वो उस टाइम पे प्रदर्शन में गए थे, ना ही कि जाना अगले दिन था, एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जब गहलोत डरता है पुलिस को आगे करता है, जब गहलोत डरता है पुलिस को आगे करता है। इससे पहले भी राजस्थान में जो है उसने मेघवाल जी और हमारे जितेंद्र मेघवाल मारे गए उनके लिए भी वो करा, इससे पहले दुनिया भर की बार जो है इस तरीके के हालत हुए। आपने देखा कि प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगा रहे हैं कि जब गहलोत डरता है पुलिस को आगे करता है और जो डिटेन की प्रक्रिया है वो कर ली गई शुरू। अब दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार जो डिटेन की प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। पीछे भी एक बस आई है, वहाँ चलते हैं और वहाँ के लोगों से जानते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के पहुंचते ही उन्हें डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। लगातार जो है डिटेन की प्रतिक्रिया चालू है। उनका जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे, साथ ही गहलोत सरकार जब डरती है तो तानाशाही करती है, इस तरीके के नारे लगाते नजर आए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकानेर हाउस के बाहर जहाँ ये प्रदर्शन शुरू हुआ। लगभग सुबह 11 बजे से दो बार डिटेन के लिए दो बार लोगों का अलग अलग जमावड़ा प्रदर्शनकारियों को यहाँ देखने को मिला, और अब जो है यहाँ 2 मिनट के अंदर प्रदर्शनकारियों को तुरंत जो है उठाकर दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया। सर, आपने अभी देखा कि बीकानेर हाउस के बाहर जो है जैसे ही प्रदर्शनकारी आए उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया गया, बोलने तक की आज़ादी नहीं दी जा रही। हाँ बिल्कुल, ये हुआ अभी बीकानेर हाउस के बाहर ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। और ये सवाल उठता है कि इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर इतना कुछ होता है, लोग यात्राएं निकालते हैं पूरे के पूरे एक समुदाय के खिलाफ, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नरसंहार का ऐलान हमने देखा धर्म संसद में किस तरह से हुआ। तो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन करने गया था जयपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अपने आप में सवाल उठाता है। और अब उनकी रिहाई को लेकर लोग यहाँ जुटे थे, उनको भी डिटेन करके ले जाया गया। तो सवाल उठता है कि क्या हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की, अपने अधिकारों के लिए सड़क पर निकलने की, आंदोलन करने की इजाज़त है या नहीं, क्या संविधान लागू है या फिर उसमें छेड़छाड़ करके ये अधिकार हटा लिया गया है, ये भी साफ कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की जो है बेहद ज़ोर ज़बरदस्ती देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि आधी रात में इस तरीके से उठा के ले जाना और गिरफ्तारी कर लेना, और अभी तक प्रदर्शनकारियों का कहना कि हमें पता नहीं है उन्हें कहाँ रखा गया है। बिल्कुल, और मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है ना, हमें उनके लिए नहीं लड़ना, हमें रोजी रोटी स्कूल शिक्षा के लिए लड़ना है। और उसी का एक आंदोलन जयपुर में चल रहा है जो शहीद स्मारक पर, वो पिछले कई महीनों से लोग बैठे हुए हैं कि कोविड जब था इस देश में महामारी थी तो आप लोगों ने ठेके पर लोगों को भर्ती कर लिया, अब उनकी आपने परमानेंट नियुक्तियाँ नहीं दी, तो वो लोग बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहाँ जाए। उसमें वो हिस्सा लेने के लिए गए थे तो उससे क्या हिंसा भड़क सकती थी, क्या माहौल ख़राब हो सकता था, इसका जवाब राजस्थान सरकार को देना चाहिए कि क्या उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थी, क्या लोगों को उनको सूचनाएं मिली थी कि भीम आर्मी चीफ की वजह से कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे, या फिर उनको जो है शिकार बनाया गया कि अब जो वो गए हैं तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता उनके जाने से कोई इस तरह के हालात बनते या कुछ ऐसी बात होती, तो उन्हें पॉलिटिकली टारगेटेड किया है राजस्थान सरकार ने, और ये गलत बात है। क्योंकि राजस्थान में जब इतना कुछ हो रहा है, वो जब पाली पहुंचे थे पिछली बार, पाली में भी एयरपोर्ट से ही, उदयपुर के एयरपोर्ट से उन्हें वापस कर दिया गया था, जितेंद्र मेघवाल वाले मामले में नहीं जाने दिया था, और जबकि आप देखेंगे राजस्थान में करौली में जो हिंसा हुई, अलग अलग जगह जो प्रदर्शन हुए, किस तरह से यात्राएं निकाली एक भगवा झंडों के साथ में, तो आप उन पर आप शिकंजा नहीं कस रहे हैं, आपकी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको रोक नहीं रही है, लेकिन जब कोई बहुजन बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति आंदोलन करता है, कुछ बोलता है, तो उसको आप जेल में डाल देते हैं, तो ये सवाल तो उठता ही है। अभी प्रदर्शनकारी एक नारा लगा रहे थे कि गहलोत जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये तो हर सरकार ऐसा ही करती है। हाँ। कि पुलिस तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार में होता है, उसका वो हुक्म मानते हैं ना, तो उनको क्या कहेंगे आप, पुलिस तो किसी के भी उस पर बोलेंगे। मामले को देखा हमने अभी, आपने खुद लाइव देखा, क्या लगता है जब भी कोई धार्मिक मसला होता है तो जो है प्रदर्शन करने की आज़ादी दी जाती है, कभी किसी चीज़ की रैली निकाली जाती है, मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, मगर जब भी रोजगार की बातें की जाती हैं, जब भी अग्निपथ योजना की बातें की जाती है, तुरंत डिटेन करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, प्रदर्शन करने की आज़ादी ही नहीं दी जाती है। और ये हैरानी की बात इसमें है कि बीजेपी शासित राज्यों में जब ऐसा होता है तो एक बात ये प्रचार किया जाता है कि बीजेपी तो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, नागरिकों को उनके अधिकारों का पालन नहीं करने देती, तो कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में तो ये आज़ादी हो, क्योंकि मगर राजस्थान तो कांग्रेस शासित है। हाँ, वो नहीं कर रहे। हाँ। तो ये उन पर भी एक सवाल उठता है कि आप जब जिस चीज़ के लिए बीजेपी की आलोचना करते हैं कि आप यूपी में बुलडोजर चला दे रहे हैं बिना प्रक्रिया के, तो आपके राज्य में अगर कोई प्रदर्शन करता है, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए पहुंचता है, तो आप उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, आपके राज्य में कितनी आज़ादी है, ये कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब हर राज्य में जो है तानाशाही की सरकार देखने को मिल रही है। वो बिल्कुल झलक रहा है, क्योंकि भारत का संविधान हमें अपनी वाणी और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाज़त देता है, और संविधान निर्माताओं ने ये बात कही है कि अगर आप किसी सरकार की नीति से, किसी काम से खुश नहीं है, आपकी अकमारी होती है, तो आप जो है संगठन बना सकते हैं, आप शांतिपूर्ण मार्च कर सकते हैं, आप कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये संवैधानिक अधिकार हैं। और जब उन पे अगर इस तरह की गिरफ्तारी होगी तो फिर हम यही बोलेंगे कि आप तानाशाह हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं।
तो ये थी हमारी बातचीत सुमित जी से, जो खुद एक मीडिया कर्मी हैं, हमारे सहयोगी हैं, और उनसे हमारी बातचीत हुई बीकानेर हाउस के बाहर में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो जमावड़ा हमने यहाँ देखा, जिस तरीके का भी प्रदर्शन हमने अभी यहाँ देखा, उस बारे में हमने उनसे बातचीत की और सिर्फ एक बात उभर कर आई कि भाई प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।